नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता गुरुदेव भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको माता कालरात्रि की पूजा विधि, उनका प्रिय भोग और उनका प्रिय रंग और उनके मंत्रों के बारे में बताएंगे। नवरात्रि के सातवें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा करते हैं और उनका व्रत रखते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही विकराल और डरावना है। उनका वर्ण काला है। वह शत्रुओं में भय पैदा करने वाली देवी है। शत्रुओं का काल है, इस वजह से उनको कालरात्रि कहा जाता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज के वध के समय कालरात्रि का स्वरूप धारण किया था। गर्दभ पर सवार, खुले केश वाली, हाथों में कटार और व्रज धारण करने वाली माँ कालरात्रि की पूजा करने से भय दूर होता है, संकटों से रक्षा होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। शुभ फल प्रदान करने के कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। इस देवी की आराधना से अकाल मृत्यु का डर भी भाग जाता है और रोग और दोष भी दूर होते हैं। इस देवी को लाल रंग प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में लाल गुलाब या लाल गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। हालांकि इनको रात रानी का फूल भी चढ़ाना शुभ होता है। नवरात्रि के सातवें दिन की पूजा में माता कालरात्रि को आप गुड़ का भोग लगाएं, इससे देवी कालरात्रि प्रसन्न होती है। माता कालरात्रि की पूजा करते समय इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। पहला मंत्र, ज्वाला कराल अति उग्रम शेषासुर सूदनम त्रिशूलम पातु नोभि ते भद्रकाली नमोस्तुते। दूसरा मंत्र, ओम देवी कालरात्रि ही नमः। तीसरा मंत्र, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छेय ओम कालरात्रि देवे नमः। चलिए अब आपको माता कालरात्रि की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को लाल रंग पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमीवा, पांच प्रकार के फल अर्पित करें। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है। माँ कालरात्रि का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ कालरात्रि की पूजा करते समय माता के मंत्रों का उच्चारण करते रहें। माता की आरती करके माता की पूजा संपूर्ण करें। बोलो माता कालरात्रि की जय हो। माता कालरात्रि सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, जिससे आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहेगी।